जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी आई हुई है और जन्माष्टमी पर हम कृष्ण भगवान जी के लिए 56 प्रकार के भोग बनाते हैं। लेकिन जो हमारे कृष्ण भगवान जी को सबसे प्रिय है, वही भोग मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसी के साथ ही हम अपने उपवास का समापन भी करते हैं, जिसे कि हम लोग धनिया पंजीरी के नाम से जानते हैं। और ये धनिया पंजीरी मैं आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाना बताऊंगी, क्योंकि आज की ये रेसिपी मैंने मंदिर के पुजारी जी से बनानी सीखी है। मेरे यहाँ पर मंदिर में इसी तरीके से धनिया पंजीरी को बनाया जाता है। मैं हमेशा आपके साथ इसी तरह की इजी और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं और आप मेरी सभी रेसिपीज को देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी वीडियो के नीचे दिए गए इस एरो पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और आपको एक लिंक नजर आएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वादिष्ट सी रेसिपी को। तो इस धनिया पंजीरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप धनिया। साबुत धनिया मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पर धनिया का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप धनिया के लिए हमें चाहिए 1 कप बूरा यानी तगार। आप चाहे तो चीनी को पीसकर उसका पाउडर भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये खांड इस्तेमाल किया है जो कि बूरा से थोड़ा सा येलो कलर पर होता है। इसका कलर थोड़ा सा येलो होता है, लेकिन ये प्रसाद के लिए ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और मैंने इसके लिए यहाँ पर लिया है 3 बड़े चम्मच सूखा हुआ नारियल, जिसे कि मैंने कद्दूकस करके लिया है, 10 से 12 मखाना, 8 से 10 बादाम जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 8 से 10 काजू इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट आप इसके लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 1 बड़ा चम्मच मगज, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी, 5 से 6 मैंने इसके लिए यहाँ पर छुहारा इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अखरोट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किशमिश इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो तैयारी हमारी हो चुकी है, अब इसे बनाना शुरू करेंगे। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके एक भारी तले वाला पैन गैस पर रख दीजिए और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें। इस घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके अंदर ये मखाने डाल देंगे। अब मखाने को हम लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। ये देखिए मखाने हमारे भूनकर तैयार हो चुके हैं, तो इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पर ये 1/2 चम्मच घी डाल देंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये काजू और बादाम डाल दे कटा हुआ। इसे डालकर 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिए ड्राई फ्रूट को भूनते हुए। अब इसके अंदर ये कद्दूकस किया हुआ गोला डालकर भून लेंगे। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने गोले को भी भून लिया है। और अब इस पैन के अंदर घी हमारा नहीं है, तो बिना घी के हमें यहाँ पर ये मगज भूनकर तैयार करना है, यानी खरबूजे के बीज डालकर इसको थोड़ा सा फूलने तक हमें भून लेना है। ये देखिए इस तरीके से चटकने लगा है और अच्छी तरह से फूल चुका है, तो इसे पैन से बाहर निकाल दें। अब बाकी का बचा हुआ घी भी हम पैन के अंदर डाल देंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये धनिया डाल देंगे और धनिए को हम लगातार चलाते हुए अच्छी खुशबू आने तक भून कर तैयार कर लेंगे। धनिया भूनने के लिए आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको इसका पाउडर बनाने में प्रॉब्लम होगी, मिक्सी के साथ चिपक जाएगा। ये देखिए धनिया हमारा भूनकर तैयार हो चुका है, तो अब इसे ठंडा होने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और जैसे ही धनिया ठंडा हो जाए तो इसे हम एक मिक्सी के जार के अंदर निकाल लेंगे और अब हम इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास धनिया का पाउडर है तो आप उसे थोड़ा सा घी डालकर इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए, उसे आपको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए धनिया पाउडर हमारा तैयार है, तो इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल दें, साथ ही इसके अंदर ये पाउडर शुगर डाल दें। और अब इसके अंदर यहाँ पर ये काजू बादाम जाएगा फ्राई किया हुआ, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल जाएगा, मगज, छुआरा, चिरौंजी, काली मिर्ची का पाउडर, इलायची पाउडर और मखाने को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर डालेंगे। तो मखाने को क्रश करके डालने से पंजीरी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारी ये धनिया पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस जन्माष्टमी आप इस प्रसाद की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने लड्डू गोपाल जी को इसका भोग ज़रूर लगाइए। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे 20,000 लाइक तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है। और अगर आप मेरे लड्डू गोपाला जैसे वस्त्र बनाना चाहती हैं या फिर इनके जैसा मुकुट बनाना चाहती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। अगर मुझे 20 से 25 कमेंट्स इस बारे में आती हैं तो मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। मेरी वीडियो को इतना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।